तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, टाइगर 3 को रिलीज होने के लिए मात्र 14 से 15 दिन ही बचे हैं और यस, हमें 14 से 15 दिन के बाद पता चल जाएगा कि टाइगर और जोया की लव स्टोरी में क्या वही दम है जो एक था टाइगर में देखने को मिली थी, जो टाइगर जिंदा है में देखने को मिली थी। और आतिश इमरान हाशमी की जो इस बार बच चल रही है विलेन के रूप में, जो इसे बताया जा रहा है, मतलब जिम जो जॉन इब्राहिम ने पठान में रोल किया था नेगेटिव रोल, उससे भी भयंकर विलेन इसको एक बार के लिए देखा जा रहा है। क्या ये उस बंदे में वो ताकत है या पोटेंशियल है, वो सब चीज़ हमें 14 से 15 दिन के बाद देखने को मिल जाएगी। और जो एक्शन और जो धमाका, जो मैं कल या फिर परसों ये स्टेटमेंट भी देख रहा था, मनीष शर्मा का डायरेक्टर है जो टाइगर 3 के, उनका स्टेटमेंट ये था कि जो हमने टीजर में दिखाया, जो हमने ट्रेलर में दिखाया, ये तो बस एक ट्रेलर था, मतलब 1 या 2% ही नहीं था हमारे कॉन्टेंट का, और रेस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ कॉन्टेंट मेजॉरिटी ऑफ दैट एक्शन दैट ड्रामा अभी बचा पड़ा है। तो भाई साहब, 14 से 15 दिन बचे हैं, उनकी वाणी कितनी सच होती है ये हमें 14 15 दिन के बाद पता लग जाएगा, जब 12 नवंबर को ये मूवी रिलीज हो जाएगी दिवाली के मार्वलस ओकेजन पर। और भाई साहब, दिल से बोल रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर इट, और ज़बरदस्त तरीके से वेट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें देखो ऐसा नहीं है कि इस साल हमें एक्शन मूवीज़ नहीं मिली हैं, भाई साहब बहुत एक्शन मूवीज़ मिली हैं। साल की शुरुआत पठान से करी गई थी जो इतना धमाकेदार एक्शन था, स्पाई यूनिवर्स सेम कंटेंट है टाइगर 3 का, लेकिन टाइगर 3 की जो बज है, टाइगर 3 का जो हाइप है, उसकी जो एक्साइटमेंट है भाई, उसके लिए बहुत अलग से वेट है। तो एक्शन मूवीज़ की बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है, गदर 2 आई, जवान आई, लियो अभी चल रही है, लियो में जो ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला, ठीक है एक बार के लिए गणपत भी देख लेते हैं, उछल कूद वाली फाइट तो वहां पर भी देखने को मिली, लेकिन टाइगर 3 में के मामले में सब कुछ ऐसा लग रहा है कि यार शायद एक्शन मूवी, शायद स्पाई यूनिवर्स मूवी पहली बार आ रही है, क्योंकि इस टाइप का बज अब धीरे धीरे चढ़ने लगा है, फैंस एक्टिव होने लगे हैं, क्योंकि गाना जो मैं कहूँगा ना, लेके प्रभु का नाम, इसने बहुत ट्रिगर किया है, रील्स बन रही हैं। यस, मैं वही कह रहा था कि जो हुक स्टेप था सलमान खान का, वो अब वायरल हो रहा है, जो लोग उसे अब कॉपी भी कर रहे हैं। तो मैं अगर बुक माई शो के इंटरेस्ट से बताऊंगा, और एडवांस बुकिंग के बारे में आज बात करेंगे, एडवांस बुकिंग में क्या हाल चल रहे हैं, भाई साहब बहुत अच्छे हाल चल रहे हैं ओवरसीज़ में, अब ये मूवी पकड़ बनाते नज़र आ रही है। तो बुक माई शो इंटरेस्ट अगर मैं आपको बताऊं, तो इस मूवी का हो चुका है 2,53,000 का बुक माई शो प्लस हो चुका है भाई साहब। तो अगर ये चीज़ देखें पठान और जवान के टाइम पर भी देखें, तो 15 दिन पहले या 14 दिन पहले तक उनका इतना अच्छा खासा बुक माई शो इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन टाइगर 3 का जबरदस्त बुक माई शो इंटरेस्ट चल रहा है। IMDb की बात करें तो मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है बताई जा रही है, मतलब लोग काफ़ी वेट कर रहे हैं इसके लिए, बस जो है ना बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रही है, मतलब हर जगह अब इसी की बात चल रही है, और वायरा प्रोडक्शन हाउस भी इसमें कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। USA से अगर मैं बताऊं तो USA से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, और मेजॉरिटी ऑफ कलेक्शन एडवांस बुकिंग से या किसी भी मूवी, हमने पठान के टाइम पर भी यही देखा, जवान के टाइम पर भी यही देखा, और लियो के टाइम पर भी यही देखा, USA से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। लेकिन पठान ने ओवरसीज से एक ज़बरदस्त रिकॉर्ड सेट करके रखा है 400 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में, जो जवान अभी तक नहीं तोड़ पाई है, और उम्मीद भी नहीं लग रही कि ये मूवी अब जवान ओवरसीज से 400 करोड़ कंप्लीट कर जाएगी, पठान ही रहने वाली है। तो इस रिकॉर्ड को क्या टाइगर 3 तोड़ देगी, वो तो आने वाले समय में पता लग जाएगा, जिस हिसाब से अब बज पकड़ा है, जिस हिसाब से, हाँ ओवरसीज़ में रेस्पॉन्स थोड़ा देर से देखने को मिला है, क्योंकि इस टाइम तक आते आते अगर मैं लियो का बताऊँ, जवान का बताऊँ, तो बहुत अच्छी बुकिंग उन्हें मिल चुकी थी मात्र 14-15 दिन पहले ही अपनी रिलीज डेट से। तो चलो बात करते हैं USA से, जो USA से $55,000 की उन्होंने बुकिंग कर ली है, जो INR ऑलमोस्ट 45 लाख रुपए बनते हैं। UK यूनाइटेड किंगडम का बताऊं तो $32,000 की उन्होंने एडवांस बुकिंग ले ली है, और 26 लाख INR बनता है ऑलमोस्ट। UAE अच्छा खासा रेस्पॉन्स देखने को मिलता है, UAE से बहुत सॉलिड रेस्पॉन्स देखने को मिलता है, ना कि सिर्फ सलमान खान को बल्कि शाहरुख खान को भी। तो $20,000 UAE से हो चुके हैं, इंडियन रुपीज़ की बात करें तो इस 16 लाख ले चुकी हैं। सऊदी अरब से एडवांस बुकिंग मैं बताऊं तो $6,000 हो चुका है, और 5 लाख इंडियन रुपीज़ में। ओमान की बात करें तो $3,000 की $US की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, 2.5 लाख INR होता है ऑलमोस्ट। आयरलैंड का मैं अगर बताऊं तो $3,000 हो जाता है, और 2.5 लाख ऑलमोस्ट इंडियन रुपीज होते हैं इसके भी। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, मतलब जहां पर भी और एडवांस बुकिंग चल रही, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में $15,000 की एडवांस बुकिंग ये ले चुकी हैं,
ऑलमोस्ट 12.5 लाख रुपए ये कमा चुके हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से एडवांस बुकिंग के मामले में। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कौन कौन होगा, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, क्योंकि इनको अभी इंडिविजुअली नहीं देखा जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो यहाँ पर भी अच्छा खासा रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। बाकी बात करते हैं आगे, अभी तो अपडेटेड आंकड़े, ये आंकड़े तो अभी बदलते रहेंगे, शाम को कुछ और देखने को मिलेंगे, कल सुबह कुछ और देखने को मिलेंगे, तो ये अपडेटेड होते रहेंगे क्योंकि अब जो है ना टाइगर 3 के लिए पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है। लेकिन 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 मार्वल की मूवी के साथ इसका क्लैश होने वाला है, तो कहीं ना कहीं ओवरसीज़ के मामले में, इंडिया की तो मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडिया में तो इसे फुल रिस्पांस मिलेगा, ज़बरदस्त रिस्पांस मिलेगा, लेकिन ओवरसीज़ में हॉलीवुड की बहुत अच्छी पकड़ है और खासकर मार्वल क्रिएशन की तो बहुत ही अच्छी पकड़ है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी भाई मूवी के लिए मैं बहुत वेट कर रहा हूँ, ये मूवी कितना करोड़ कंप्लीट कर जाएगी, मतलब टोटल लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कर जाएगी, क्या जवान के रिकॉर्ड को ब्रेक डाउन कर देगी, या पठान को बीट डाउन कर देगी, या लियो के बीट डाउन कर देगी, तो अभी मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कहूँगा। आप लोगों की क्या राय है, क्या ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, पहले दिन 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाएगा ओपनिंग जो कह सकते हैं, हिंदी से कितना कलेक्शन करती है, हिंदी से अभी तक जवान सबसे नंबर वन में है जो 65 करोड़ की सिर्फ हिंदी से कलेक्शन करी थी फर्स्ट डे पर, ये कितना करेगी ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।